हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी छत्रपति को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू तो दिया ही है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर चंद एक ऐसे फैक्ट भी बताए हैं जो कि आप लोगों को जानना चाहिए। यहाँ पर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी छत्रपति के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, तो बेसिकली ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हर एक मूवी के रिलेटेड। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि ये जो मूवी हम देखने के लिए जा रहे हैं, इस मूवी में हमें देखने को क्या मिलेगा, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, बेसिकली होगा क्या इस मूवी में। तो यहाँ पर ये सवाल आप लोगों का मैं क्लियर कर देता हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को इसमें ड्रामा देखने को मिलेगा एंड लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से एक्शन भी संभाला गया है एंड ड्रामे को भी बहुत ही डिसेंटली हैंडल किया गया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो है जी तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बाद अब अगर यहाँ पर हम बात करें कि इसकी IMDb रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसकी जो IMDb रेटिंग है वो है जी 4.9 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। लेकिन उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 91% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं जी कास्टिंग की कि कौन कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जो कि आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को बलमकोंडा साई श्रीनिवास देखने को मिल जाएंगे, नुसरत भरूचा देखने को मिलेंगे, भाग्यश्री, करण सिंह छबरा, शरद केलकर, शिवम पटेल और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर्स कौन है, राइटर्स कौन है, उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटर कौन है इस मूवी का, बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया, क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है, तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी वी विनायक ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। स्क्रीन प्ले की बात करें जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है, तो ए महादेव इस मूवी के स्क्रीन प्ले को हैंडल करने वाले हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी स्क्रीन प्ले को हैंडल किया। डायलॉग्स की बात करें तो मयूरपुरी इस मूवी के डायलॉग्स को संभालने वाले हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारे के सारे डायलॉग्स को लिखा है।
स्टोरी लाइन की बात करें तो वी विजेंद्र प्रसाद इस मूवी के स्टोरी लाइन को लिखने वाले हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी स्टोरी लाइन को लिखा। एंड स्टोरी लाइन वो मेन चीज़ होती है जो कि ऑडियंस और थिएटर्स को कनेक्ट कर सकती है, एंड यहाँ पर ये काम इस मूवी ने काफ़ी अच्छे तरीके से किया है। तो ये मूवी जो है वो साल 2005 में रिलीज़ हो चुकी, छत्रपति, जो कि स्टार प्रभास के बनाई हुई मूवी थी। तो ये जो कि डायरेक्ट की थी SS राजामौली सर ने, एंड ये मूवी उसी का ही ऑफिशियल रीमेक बनाया गया है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो जयंतीलाल गदा, धवल गदा और अक्षय गदा आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बलमकोंडा साई श्रीनिवास, उसी के साथ साथ नुसरत भरूचा, शरद खेलकर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो निज़ार शफी आप लोगों को इसकी सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नज़र आएंगे। उसी के साथ साथ बात करें एडिटिंग की तो निरंजन ने इस मूवी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया, स्कोर BGM को यहाँ पर कंट्रोल किया रवि बसरूर ने, एंड सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज किया तानिश्क बागची ने। प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को पैन इंडिया लिमिटेड देखने को मिल जाएगी। तो ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ कर दिया गया था। एंड ये मूवी जो है वो अभी TV प्रीमियर लॉन्च हो चुका है, इस मूवी का TV पर ये लग चुकी है। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी छत्रपति को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू तो दिया ही है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर चंद एक ऐसे फैक्ट भी बताए हैं जो कि आप लोगों को जानना चाहिए। यहाँ पर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी छत्रपति के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हर एक मूवी के रिलेटेड। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि ये जो मूवी हम देखने के लिए जा रहे हैं, इस मूवी में हमें देखने को क्या मिलेगा, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, बेसिकली होगा क्या इस मूवी में। तो यहाँ पर ये सवाल आप लोगों का मैं क्लियर कर देता हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को इसमें ड्रामा देखने को मिलेगा, एंड लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से एक्शन भी संभाला गया है एंड ड्रामे को भी बहुत ही डिसेंटली हैंडल किया गया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो है जी तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की
इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बाद, अब अगर यहाँ पर हम बात करें कि इसकी IMDb रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसकी जो IMDb रेटिंग है वो है जी 4.9 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। लेकिन उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 91% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं जी कास्टिंग की, कि कौन कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जो कि आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को बलमकोंडा साई श्रीनिवास देखने को मिल जाएंगे, नुसरत भरूचा देखने को मिलेंगे, भाग्यश्री, करण सिंह छबरा, शरद केलकर, शिवम पटेल और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर्स कौन है, राइटर्स कौन है, उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटर कौन है इस मूवी का, बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया, क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है, तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी VV विनायक ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। स्क्रीन प्ले की बात करें जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है, तो A. Mahadev इस मूवी के स्क्रीन प्ले को हैंडल करने वाले हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी स्क्रीन प्ले को हैंडल किया। डायलॉग्स की बात करें तो मयूरपुरी इस मूवी के डायलॉग्स को संभालने वाले हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारे के सारे डायलॉग्स को लिखा है। स्टोरी लाइन की बात करें तो VV विजेंद्र प्रसाद इस मूवी के स्टोरी लाइन को लिखने वाले हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी स्टोरी लाइन को लिखा। एंड स्टोरी लाइन वो मेन चीज़ होती है जो कि ऑडियंस और थिएटर्स को कनेक्ट कर सकती है, एंड यहाँ पर ये काम इस मूवी ने काफ़ी अच्छे तरीके से किया है। तो ये मूवी जो है वो साल 2005 में रिलीज़ हो चुकी छत्रपति, जो कि स्टार प्रभास के बनाई हुई मूवी थी, तो ये जो कि डायरेक्ट की थी SS Rajamouli सर ने, एंड ये मूवी उसी का ही ऑफिशियल रीमेक बनाया गया है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो जयंतीलाल गदा, धवल गदा और अक्षय गदा आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बलमकोंडा साई श्रीनिवास, उसी के साथ साथ नुसरत भरूचा, शरद केलकर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो निज़ार शफी आप लोगों को इसकी सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नज़र आएंगे। उसी के साथ साथ बात करें एडिटिंग की तो निरंजन ने इस मूवी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया, स्कोर BGM को यहाँ पर कंट्रोल किया रवि बसरू ने, एंड सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज किया तानिश्क बागची ने। प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को पैन इंडिया लिमिटेड देखने को मिल जाएगी। तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ कर दिया गया था, एंड ये मूवी जो है वो अभी TV प्रीमियर लॉन्च हो चुका है। इस मूवी का TV पर ये लग चुकी है, आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी छत्रपति को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू तो दिया ही है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर चंद एक ऐसे फैक्ट भी बताए हैं जो कि आप लोगों को जानना चाहिए। यहाँ पर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना
काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी छत्रपति के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हर एक मूवी के रिलेटेड। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि ये जो मूवी हम देखने के लिए जा रहे हैं इस मूवी में हमें देखने को क्या मिलेगा, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, बेसिकली होगा क्या इस मूवी में। तो यहाँ पर ये सवाल आप लोगों का मैं क्लियर कर देता हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को इसमें ड्रामा देखने को मिलेगा एंड लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से एक्शन भी संभाला गया है एंड ड्रामे को भी बहुत ही डिसेंटली हैंडल किया गया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो है जी तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बाद अब अगर यहाँ पर हम बात करें कि इसकी IMDb रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसकी जो IMDb रेटिंग है वो है जी 4.9 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। लेकिन उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 91% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं जी कास्टिंग की कि कौन कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जो कि आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को बलमकोंडा साई श्रीनिवास देखने को मिल जाएंगे, नुसरत भरूचा देखने को मिलेंगे, भाग्यश्री, करण सिंह छबरा, शरद केलकर, शिवम पटेल और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर्स कौन है, राइटर्स कौन है, उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटर कौन है इस मूवी का, बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया, क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है, तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी वी विनायक ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। स्क्रीन प्ले की बात करें जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है, तो ए महादेव इस मूवी के स्क्रीन प्ले को हैंडल करने वाले हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी स्क्रीन प्ले को हैंडल किया। डायलॉग्स की बात करें तो मयूरपुरी इस मूवी के डायलॉग्स को संभालने वाले हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारे के सारे डायलॉग्स को लिखा है। स्टोरी लाइन की बात करें तो वी विजेंद्र प्रसाद इस मूवी के स्टोरी लाइन को लिखने वाले हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी स्टोरी लाइन को लिखा एंड स्टोरी लाइन वो मेन चीज़ होती है जो कि ऑडियंस और थिएटर्स को कनेक्ट कर सकती है एंड यहाँ पर ये काम इस मूवी ने काफ़ी अच्छे तरीके से किया है। तो ये मूवी जो है वो साल 2005 में रिलीज़ हो चुकी छत्रपति, जो कि स्टार प्रभास के बनाई हुई मूवी थी, तो ये जो कि डायरेक्ट की थी SS राजामौली सर ने एंड ये मूवी उसी का ही ऑफिशियल रीमेक बनाया गया है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो जयंतीलाल गदा, धवल गदा और अक्षय गदा आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बलमकोंडा साई श्रीनिवास, उसी के साथ साथ नुसरत भरूचा, शरद केलकर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो निज़ार शफी आप लोगों को इसकी सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नज़र आएंगे। उसी के साथ साथ बात करें एडिटिंग की तो निरंजन ने इस मूवी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया, स्कोर BGM को यहाँ पर कंट्रोल किया रवि बसरूर ने एंड सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज किया तानिश्क बागची ने। प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को पैन इंडिया लिमिटेड देखने को मिल जाएगी। तो ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ कर दिया गया था एंड ये मूवी जो है वो अभी TV प्रीमियर लॉन्च हो चुका है। इस मूवी का TV पर ये लग चुकी है, आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी
साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी छत्रपति को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू तो दिया ही है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर चंद एक ऐसे फैक्ट भी बताए हैं जो कि आप लोगों को जानना चाहिए। यहाँ पर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी छत्रपति के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हर एक मूवी के रिलेटेड। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि ये जो मूवी हम देखने के लिए जा रहे हैं, इस मूवी में हमें देखने को क्या मिलेगा, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, बेसिकली होगा क्या इस मूवी में। तो यहाँ पर ये सवाल आप लोगों का मैं क्लियर कर देता हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को इसमें ड्रामा देखने को मिलेगा एंड लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से एक्शन भी संभाला गया है एंड ड्रामे को भी बहुत ही डिसेंटली हैंडल किया गया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो है जी तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बाद अब अगर यहाँ पर हम बात करें कि इसकी IMDb रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसकी जो IMDb रेटिंग है वो है जी 4.9 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। लेकिन उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 91% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं जी कास्टिंग की कि कौन कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जो कि आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को बलम कोंडा साई श्रीनिवास देखने को मिल जाएंगे, नुसरत भरूचा देखने को मिलेंगे, भाग्यश्री, करण सिंह छबरा, शरद केलकर, शिवम पटेल और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर्स कौन है, राइटर्स कौन है, उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटर कौन है इस मूवी का, बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया, क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है, तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी VV विनायक ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। स्क्रीन प्ले की बात करें जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है, तो A. महादेव इस मूवी के स्क्रीन प्ले को हैंडल करने वाले हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी स्क्रीन प्ले को हैंडल किया। डायलॉग्स की बात करें तो मयूरपुरी इस मूवी के डायलॉग्स को संभालने वाले हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारे के सारे डायलॉग्स को लिखा है। स्टोरी लाइन की बात करें तो VV जिंद्र प्रसाद
इस मूवी के स्टोरी लाइन को लिखने वाले हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी स्टोरी लाइन को लिखा। एंड स्टोरी लाइन वो मेन चीज़ होती है जो कि ऑडियंस और थिएटर्स को कनेक्ट कर सकती है, एंड यहाँ पर ये काम इस मूवी ने काफ़ी अच्छे तरीके से किया है। तो ये मूवी जो है वो साल 2005 में रिलीज़ हो चुकी, छत्रपति, जो कि स्टार प्रभास के बनाई हुई मूवी थी। तो ये जो कि डायरेक्ट की थी SS राजामौली सर ने, एंड ये मूवी उसी का ही ऑफिशियल रीमेक बनाया गया है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो जयंतीलाल गदा, धवल गदा और अक्षय गदा आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूं कि बलमकोंडा साई श्रीनिवास, उसी के साथ साथ नुसरत भरूचा, शरद खेलकर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो निज़ार शफी आप लोगों को इसकी सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नज़र आएंगे। उसी के साथ साथ बात करें एडिटिंग की तो निरंजन ने इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया। स्कोर BGM को यहाँ पर कंट्रोल किया रवि बसरू ने, एंड सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज किया तानिश्क बागची ने। प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को पैन इंडिया लिमिटेड देखने को मिल जाएगी। तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ कर दिया गया था। एंड ये मूवी जो है वो अभी TV प्रीमियर लॉन्च हो चुका है। इस मूवी का TV पर ये लग चुकी है, आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी छत्रपति को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू तो दिया ही है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर चंद एक ऐसे फैक्ट भी बताए हैं जो कि आप लोगों को जानना चाहिए। यहाँ पर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी छत्रपति के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हर एक मूवी के रिलेटेड। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि ये जो मूवी हम देखने के लिए जा रहे हैं, इस मूवी में हमें देखने को क्या मिलेगा, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, बेसिकली होगा क्या इस मूवी में। तो यहाँ पर ये सवाल आप लोगों का मैं क्लियर कर देता हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को इसमें ड्रामा देखने को मिलेगा, एंड लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से एक्शन भी संभाला गया है एंड ड्रामे को भी बहुत ही डिसेंटली हैंडल किया गया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो है जी तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बाद अब अगर यहाँ पर हम बात करें कि इसकी IMDB रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसकी जो IMDB रेटिंग है वो है जी 4.9 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग
रेटिंग है, लेकिन उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 91% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं जी कास्टिंग की, कि कौन कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जो कि आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को बलमकोंडा साई श्रीनिवास देखने को मिल जाएंगे, नुसरत भरूचा देखने को मिलेंगे, भाग्यश्री, करण सिंह छबरा, शरद केलकर, शिवम पटेल और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर्स कौन है, राइटर्स कौन है, उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटर कौन है इस मूवी का, बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया, क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है, तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी वी विनायक ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। स्क्रीन प्ले की बात करें जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है, तो ए महादेव इस मूवी के स्क्रीन प्ले को हैंडल करने वाले हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी स्क्रीन प्ले को हैंडल किया। डायलॉग्स की बात करें तो मयूरपुरी इस मूवी के डायलॉग्स को संभालने वाले हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारे के सारे डायलॉग्स को लिखा है। स्टोरी लाइन की बात करें तो वी विजेंद्र प्रसाद इस मूवी के स्टोरी लाइन को लिखने वाले हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी स्टोरी लाइन को लिखा। एंड स्टोरी लाइन वो मेन चीज़ होती है जो कि ऑडियंस और थिएटर्स को कनेक्ट कर सकती है, एंड यहाँ पर ये काम इस मूवी ने काफ़ी अच्छे तरीके से किया है। तो ये मूवी जो है वो साल 2005 में रिलीज़ हो चुकी छत्रपति, जो कि स्टार प्रभास के बनाई हुई मूवी थी, तो ये जो कि डायरेक्ट की थी SS राजामौली सर ने, एंड ये मूवी उसी का ही ऑफिशियल रीमेक बनाया गया है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो जयंतीलाल गदा, धवल गदा और अक्षय गदा आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बलमकोंडा साई श्रीनिवास, उसी के साथ साथ नुसरत भरूचा, शरद केलकर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो निज़ार शफी आप लोगों को इसकी सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नज़र आएंगे। उसी के साथ साथ बात करें एडिटिंग की तो निरंजन ने इस मूवी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया, स्कोर BGM को यहाँ पर कंट्रोल किया रवि बसरूर ने, एंड सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज किया तानिश्क बागची ने। प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को पैन इंडिया लिमिटेड देखने को मिल जाएगी। तो ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ कर दिया गया था। एंड ये मूवी जो है वो अभी TV प्रीमियर लॉन्च हो चुका है, इस मूवी का TV पर ये लग चुकी है, आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी छत्रपति को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू तो दिया ही है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर चंद एक ऐसे फैक्ट भी बताए हैं जो कि आप लोगों को जानना चाहिए। यहाँ पर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी छत्रपति के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है,
ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हर एक मूवी के रिलेटेड। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि ये जो मूवी हम देखने के लिए जा रहे हैं इस मूवी में हमें देखने को क्या मिलेगा, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, बेसिकली होगा क्या इस मूवी में। तो यहाँ पर ये सवाल आप लोगों का मैं क्लियर कर देता हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को इसमें ड्रामा देखने को मिलेगा एंड लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से एक्शन भी संभाला गया है एंड ड्रामे को भी बहुत ही डिसेंटली हैंडल किया गया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो है जी तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बाद अब अगर यहाँ पर हम बात करें कि इसकी IMDb रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसकी जो IMDb रेटिंग है वो है जी 4.9 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। लेकिन उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 91% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं जी कास्टिंग की कि कौन कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जो कि आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को बलमकोंडा साई श्रीनिवास देखने को मिल जाएंगे, नुसरत भरूचा देखने को मिलेंगे, भाग्यश्री, करण सिंह छबरा, शरद केलकर, शिवम पटेल और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर्स कौन है, राइटर्स कौन है, उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटर कौन है इस मूवी का, बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया, क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है, तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी VV विनायक ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। स्क्रीन प्ले की बात करें जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है, तो A. महादेव इस मूवी के स्क्रीन प्ले को हैंडल करने वाले हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी स्क्रीन प्ले को हैंडल किया। डायलॉग्स की बात करें तो मयूरपुरी इस मूवी के डायलॉग्स को संभालने वाले हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारे के सारे डायलॉग्स को लिखा है। स्टोरी लाइन की बात करें तो VV विजेंद्र प्रसाद इस मूवी के स्टोरी लाइन को लिखने वाले हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी स्टोरी लाइन को लिखा एंड स्टोरी लाइन वो मेन चीज़ होती है जो कि ऑडियंस और थिएटर्स को कनेक्ट कर सकती है एंड यहाँ पर ये काम इस मूवी ने काफ़ी अच्छे तरीके से किया है। तो ये मूवी जो है वो साल 2005 में रिलीज़ हो चुकी छत्रपति, जो कि स्टार प्रभास के बनाई हुई मूवी थी, तो ये जो कि डायरेक्ट की थी SS राजामौली सर ने एंड ये मूवी उसी का ही ऑफिशियल रीमेक बनाया गया है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो जयंतीलाल गदा, धवल गदा और अक्षय गदा आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बलमकोंडा साई श्रीनिवास, उसी के साथ साथ नुसरत भरूचा, शरद केलकर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो निज़ार शफी आप लोगों को इसकी सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नज़र आएंगे। उसी के साथ साथ बात करें एडिटिंग की तो निरंजन ने इस मूवी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया, स्कोर BGM को यहाँ पर कंट्रोल किया रवि बसरू ने एंड सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज किया तानिश्क बागची ने। प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को पैन इंडिया लिमिटेड देखने को मिल जाएगी। तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ कर दिया गया था एंड ये मूवी जो है वो अभी TV प्रीमियर लॉन्च हो चुका है। इस मूवी का TV पर ये लग चुकी है, आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी छत्रपति को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो
आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू तो दिया ही है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर चंद एक ऐसे फैक्ट भी बताए हैं जो कि आप लोगों को जानना चाहिए। यहाँ पर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी छत्रपति के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, तो बेसिकली ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हर एक मूवी के रिलेटेड। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि ये जो मूवी हम देखने के लिए जा रहे हैं, इस मूवी में हमें देखने को क्या मिलेगा, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, बेसिकली होगा क्या इस मूवी में। तो यहाँ पर ये सवाल आप लोगों का मैं क्लियर कर देता हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को इसमें ड्रामा देखने को मिलेगा, एंड लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से एक्शन भी संभाला गया है एंड ड्रामे को भी बहुत ही डिसेंटली हैंडल किया गया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो है जी तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बाद अब अगर यहाँ पर हम बात करें कि इसकी IMDb रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसकी जो IMDb रेटिंग है वो है जी 4.9 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। लेकिन उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 91% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं जी कास्टिंग की, कि कौन कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जो कि आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को बलमकोंडा साई श्रीनिवास देखने को मिल जाएंगे, नुसरत भरूचा देखने को मिलेंगे, भाग्यश्री, करण सिंह छबरा, शरद केलकर, शिवम पटेल और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर्स कौन है, राइटर्स कौन है, उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटर कौन है इस मूवी का, बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया, क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है, तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी वी विनायक ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। स्क्रीन प्ले की बात करें जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है, तो ए महादेव इस मूवी के स्क्रीन प्ले को हैंडल करने वाले हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी स्क्रीन प्ले को हैंडल किया। डायलॉग्स की बात करें तो मयूरपुरी इस मूवी
मूवी के डायलॉग्स को संभालने वाले हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारे के सारे डायलॉग्स को लिखा है। स्टोरी लाइन की बात करें तो वी विजेंद्र प्रसाद इस मूवी के स्टोरी लाइन को लिखने वाले हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी स्टोरी लाइन को लिखा। एंड स्टोरी लाइन वो मेन चीज़ होती है जो कि ऑडियंस और थिएटर्स को कनेक्ट कर सकती है, एंड यहाँ पर ये काम इस मूवी ने काफ़ी अच्छे तरीके से किया है। तो ये मूवी जो है वो साल 2005 में रिलीज़ हो चुकी, छत्रपति, जो कि स्टार प्रभास के बनाई हुई मूवी थी। तो ये जो कि डायरेक्ट की थी SS राजामौली सर ने, एंड ये मूवी उसी का ही ऑफिशियल रीमेक बनाया गया है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो जयंतीलाल गदा, धवल गदा और अक्षय गदा आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बलमकोंडा साई श्रीनिवास, उसी के साथ साथ नुसरत भरूचा, शरद खेलकर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो निज़ार शफी आप लोगों को इसकी सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नज़र आएंगे। उसी के साथ साथ बात करें एडिटिंग की तो निरंजन ने इस मूवी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया। स्कोर BGM को यहाँ पर कंट्रोल किया रवि रूर ने, एंड सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज किया तानिश्क बागची ने। प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को पैन इंडिया लिमिटेड देखने को मिल जाएगी। तो ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ कर दिया गया था। एंड ये मूवी जो है वो अभी TV प्रीमियर लॉन्च हो चुका है। इस मूवी का TV पर ये लग चुकी है, आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी छत्रपति को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू तो दिया ही है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर चंद एक ऐसे फैक्ट भी बताए हैं जो कि आप लोगों को जानना चाहिए। यहाँ पर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी छत्रपति के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हर एक मूवी के रिलेटेड। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि ये जो मूवी हम देखने के लिए जा रहे हैं, इस मूवी में हमें देखने को क्या मिलेगा, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, बेसिकली होगा क्या इस मूवी में। तो यहाँ पर ये सवाल आप लोगों का मैं क्लियर कर देता हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को इसमें ड्रामा देखने को मिलेगा, एंड लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से एक्शन भी संभाला गया है एंड ड्रामे को भी बहुत ही डिसेंटली हैंडल किया गया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो है जी तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की
इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बाद, अब अगर यहाँ पर हम बात करें कि इसकी IMDb रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसकी जो IMDb रेटिंग है वो है जी 4.9 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। लेकिन उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 91% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं जी कास्टिंग की, कि कौन कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जो कि आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को बलमकोंडा साई श्रीनिवास देखने को मिल जाएंगे, नुसरत भरूचा देखने को मिलेंगे, भाग्यश्री, करण सिंह छबरा, शरद केलकर, शिवम पटेल और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर्स कौन है, राइटर्स कौन है, उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटर कौन है इस मूवी का, बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया, क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है, तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी VV विनायक ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। स्क्रीन प्ले की बात करें जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है, तो ए महादेव इस मूवी के स्क्रीन प्ले को हैंडल करने वाले हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी स्क्रीन प्ले को हैंडल किया। डायलॉग्स की बात करें तो मयूरपुरी इस मूवी के डायलॉग्स को संभालने वाले हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारे के सारे डायलॉग्स को लिखा है। स्टोरी लाइन की बात करें तो VV विजेंद्र प्रसाद इस मूवी के स्टोरी लाइन को लिखने वाले हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी स्टोरी लाइन को लिखा। एंड स्टोरी लाइन वो मेन चीज़ होती है जो कि ऑडियंस और थिएटर्स को कनेक्ट कर सकती है, एंड यहाँ पर ये काम इस मूवी ने काफ़ी अच्छे तरीके से किया है। तो ये मूवी जो है वो साल 2005 में रिलीज़ हो चुकी, छत्रपति, जो कि स्टार प्रभास के बनाई हुई मूवी थी, तो ये जो कि डायरेक्ट की थी SS राजामौली सर ने, एंड ये मूवी उसी का ही ऑफिशियल रीमेक बनाया गया है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो जयंतीलाल गदा, धवल गदा और अक्षय गदा आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बलमकोंडा साई श्रीनिवास, उसी के साथ साथ नुसरत भरूचा, शरद केलकर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो निज़ार शफी आप लोगों को इसकी सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नज़र आएंगे। उसी के साथ साथ बात करें एडिटिंग की तो निरंजन ने इस मूवी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया, स्कोर BGM को यहाँ पर कंट्रोल किया रवि बसरू ने, एंड सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज किया तानिश्क बागची ने। प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को पैन इंडिया लिमिटेड देखने को मिल जाएगी। तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ कर दिया गया था, एंड ये मूवी जो है वो अभी TV प्रीमियर लॉन्च हो चुका है। इस मूवी का TV पर ये लग चुकी है, आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी छत्रपति को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू तो दिया ही है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर चंद एक ऐसे फैक्ट भी बताए हैं जो कि आप लोगों को जानना चाहिए। यहाँ पर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है।
तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी छत्रपति के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हर एक मूवी के रिलेटेड। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि ये जो मूवी हम देखने के लिए जा रहे हैं इस मूवी में हमें देखने को क्या मिलेगा, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, बेसिकली होगा क्या इस मूवी में। तो यहाँ पर ये सवाल आप लोगों का मैं क्लियर कर देता हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को इसमें ड्रामा देखने को मिलेगा एंड लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से एक्शन भी संभाला गया है एंड ड्रामे को भी बहुत ही डिसेंटली हैंडल किया गया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो है जी तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बाद अब अगर यहाँ पर हम बात करें कि इसकी IMDB रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसकी जो IMDB रेटिंग है वो है जी 4.9 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। लेकिन उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 91% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं जी कास्टिंग की कि कौन कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जो कि आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को बलमकोंडा साई श्रीनिवास देखने को मिल जाएंगे, नुसरत भरूचा देखने को मिलेंगे, भाग्यश्री, करण सिंह छबरा, शरद केलकर, शिवम पटेल और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर्स कौन है, राइटर्स कौन है, उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटर कौन है इस मूवी का, बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया, क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है, तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी वी विनायक ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। स्क्रीन प्ले की बात करें जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है, तो ए महादेव इस मूवी के स्क्रीन प्ले को हैंडल करने वाले हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी स्क्रीन प्ले को हैंडल किया। डायलॉग्स की बात करें तो मयूरपुरी इस मूवी के डायलॉग्स को संभालने वाले हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारे के सारे डायलॉग्स को लिखा है। स्टोरी लाइन की बात करें तो वी विजेंद्र प्रसाद इस मूवी के स्टोरी लाइन को लिखने वाले हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी स्टोरी लाइन को लिखा एंड स्टोरी लाइन वो मेन चीज़ होती है जो कि ऑडियंस और थिएटर्स को कनेक्ट कर सकती है एंड यहाँ पर ये काम इस मूवी ने काफ़ी अच्छे तरीके से किया है। तो ये मूवी जो है वो साल 2005 में रिलीज़ हो चुकी छत्रपति, जो कि स्टार प्रभास के बनाई हुई मूवी थी, तो ये जो कि डायरेक्ट की थी SS राजामौली सर ने एंड ये मूवी उसी का ही ऑफिशियल रीमेक बनाया गया है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो जयंतीलाल गदा, धवल गदा और अक्षय गदा आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बलमकोंडा साई श्रीनिवास, उसी के साथ साथ नुसरत भरूचा, शरद केलकर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो निज़ार शफी आप लोगों को इसकी सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नज़र आएंगे। उसी के साथ साथ बात करें एडिटिंग की तो निरंजन ने इस मूवी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया, स्कोर BGM को यहाँ पर कंट्रोल किया रवि रूर ने एंड सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज किया तानिश्क बागची ने। प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को पैन इंडिया लिमिटेड देखने को मिल जाएगी। तो ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ कर दिया गया था एंड ये मूवी जो है वो अभी TV प्रीमियर लॉन्च हो चुका है। इस मूवी का TV पर ये लग चुकी है, आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी
साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी छत्रपति को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू तो दिया ही है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर चंद एक ऐसे फैक्ट भी बताए हैं जो कि आप लोगों को जानना चाहिए। यहाँ पर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी छत्रपति के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हर एक मूवी के रिलेटेड। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि ये जो मूवी हम देखने के लिए जा रहे हैं, इस मूवी में हमें देखने को क्या मिलेगा, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, बेसिकली होगा क्या इस मूवी में। तो यहाँ पर ये सवाल आप लोगों का मैं क्लियर कर देता हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को इसमें ड्रामा देखने को मिलेगा एंड लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से एक्शन भी संभाला गया है एंड ड्रामे को भी बहुत ही डिसेंटली हैंडल किया गया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो है जी तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बाद अब अगर यहाँ पर हम बात करें कि इसकी IMDb रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसकी जो IMDb रेटिंग है वो है जी 4.9 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। लेकिन उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 91% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं जी कास्टिंग की कि कौन कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जो कि आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को बलमकोंडा साई श्रीनिवास देखने को मिल जाएंगे, नुसरत भरूचा देखने को मिलेंगे, भाग्यश्री, करण सिंह छबरा, शरद केलकर, शिवम पटेल और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर्स कौन है, राइटर्स कौन है, उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटर कौन है इस मूवी का, बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया, क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है, तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी VV विनायक ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। स्क्रीन प्ले की बात करें जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है, तो A. महादेव इस मूवी के स्क्रीन प्ले को हैंडल करने वाले हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी स्क्रीन प्ले को हैंडल किया। डायलॉग्स की बात करें तो मयूरपुरी इस मूवी
मूवी के डायलॉग्स को संभालने वाले हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारे के सारे डायलॉग्स को लिखा है। स्टोरी लाइन की बात करें तो वी विजेंद्र प्रसाद इस मूवी के स्टोरी लाइन को लिखने वाले हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी स्टोरी लाइन को लिखा। एंड स्टोरी लाइन वो मेन चीज़ होती है जो कि ऑडियंस और थिएटर्स को कनेक्ट कर सकती है, एंड यहाँ पर ये काम इस मूवी ने काफ़ी अच्छे तरीके से किया है। तो ये मूवी जो है वो साल 2005 में रिलीज़ हो चुकी छत्रपति, जो कि स्टार प्रभास के बनाई हुई मूवी थी। तो ये जो कि डायरेक्ट की थी SS राजामौली सर ने, एंड ये मूवी उसी का ही ऑफिशियल रीमेक बनाया गया है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो जयंतीलाल गदा, धवल गदा और अक्षय गदा आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बलमकोंडा साई श्रीनिवास, उसी के साथ साथ नुसरत भरूचा, शरद खेलकर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो निज़ार शफी आप लोगों को इसकी सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नज़र आएंगे। उसी के साथ साथ बात करें एडिटिंग की तो निरंजन ने इस मूवी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया। स्कोर BGM को यहाँ पर कंट्रोल किया रवि बसरू ने, एंड सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज किया तानिश्क बागची ने। प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को पैन इंडिया लिमिटेड देखने को मिल जाएगी। तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ कर दिया गया था। एंड ये मूवी जो है वो अभी TV प्रीमियर लॉन्च हो चुका है। इस मूवी का TV पर ये लग चुकी है, आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी छत्रपति को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू तो दिया ही है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर चंद एक ऐसे फैक्ट भी बताए हैं जो कि आप लोगों को जानना चाहिए। यहाँ पर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी छत्रपति के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हर एक मूवी के रिलेटेड। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि ये जो मूवी हम देखने के लिए जा रहे हैं, इस मूवी में हमें देखने को क्या मिलेगा, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, बेसिकली होगा क्या इस मूवी में। तो यहाँ पर ये सवाल आप लोगों का मैं क्लियर कर देता हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को इसमें ड्रामा देखने को मिलेगा, एंड लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से एक्शन भी संभाला गया है एंड ड्रामे को भी बहुत ही डिसेंटली हैंडल किया गया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो है जी तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की
इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बाद, अब अगर यहाँ पर हम बात करें कि इसकी IMDb रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसकी जो IMDb रेटिंग है वो है जी 4.9 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। लेकिन उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 91% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं जी कास्टिंग की, कि कौन कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जो कि आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को बलमकोंडा साई श्रीनिवास देखने को मिल जाएंगे, नुसरत भरूचा देखने को मिलेंगे, भाग्यश्री, करण सिंह छबरा, शरद केलकर, शिवम पटेल और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर्स कौन है, राइटर्स कौन है, उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटर कौन है इस मूवी का, बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया, क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है, तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी वी विनायक ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। स्क्रीन प्ले की बात करें जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है, तो ए महादेव इस मूवी के स्क्रीन प्ले को हैंडल करने वाले हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी स्क्रीन प्ले को हैंडल किया। डायलॉग्स की बात करें तो मयूरपुरी इस मूवी के डायलॉग्स को संभालने वाले हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारे के सारे डायलॉग्स को लिखा है। स्टोरी लाइन की बात करें तो वी विजेंद्र प्रसाद इस मूवी के स्टोरी लाइन को लिखने वाले हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी स्टोरी लाइन को लिखा। एंड स्टोरी लाइन वो मेन चीज़ होती है जो कि ऑडियंस और थिएटर्स को कनेक्ट कर सकती है, एंड यहाँ पर ये काम इस मूवी ने काफ़ी अच्छे तरीके से किया है। तो ये मूवी जो है वो साल 2005 में रिलीज़ हो चुकी छत्रपति, जो कि स्टार प्रभास के बनाई हुई मूवी थी, तो ये जो कि डायरेक्ट की थी SS राजामौली सर ने, एंड ये मूवी उसी का ही ऑफिशियल रीमेक बनाया गया है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो जयंतीलाल गदा, धवल गदा और अक्षय गदा आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बलमकोंडा साई श्रीनिवास, उसी के साथ साथ नुसरत भरूचा, शरद केलकर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो निज़ार शफी आप लोगों को इसकी सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नज़र आएंगे। उसी के साथ साथ बात करें एडिटिंग की तो निरंजन ने इस मूवी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया, स्कोर BGM को यहाँ पर कंट्रोल किया रवि बसरूर ने, एंड सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज किया तानिश्क बागची ने। प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को पैन इंडिया लिमिटेड देखने को मिल जाएगी। तो ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ कर दिया गया था। एंड ये मूवी जो है वो अभी TV प्रीमियर लॉन्च हो चुका है, इस मूवी का TV पर ये लग चुकी है, आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी छत्रपति को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू तो दिया ही है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर चंद एक ऐसे फैक्ट भी बताए हैं जो कि आप लोगों को जानना चाहिए। यहाँ पर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना
काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी छत्रपति के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हर एक मूवी के रिलेटेड। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि ये जो मूवी हम देखने के लिए जा रहे हैं इस मूवी में हमें देखने को क्या मिलेगा, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, बेसिकली होगा क्या इस मूवी में। तो यहाँ पर ये सवाल आप लोगों का मैं क्लियर कर देता हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को इसमें ड्रामा देखने को मिलेगा एंड लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से एक्शन भी संभाला गया है एंड ड्रामे को भी बहुत ही डिसेंटली हैंडल किया गया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो है जी तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बाद अब अगर यहाँ पर हम बात करें कि इसकी IMDb रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसकी जो IMDb रेटिंग है वो है जी 4.9 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। लेकिन उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 91% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं जी कास्टिंग की कि कौन कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जो कि आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को बलमकोंडा साई श्रीनिवास देखने को मिल जाएंगे, नुसरत भरूचा देखने को मिलेंगे, भाग्यश्री, करण सिंह छबरा, शरद केलकर, शिवम पटेल और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर्स कौन है, राइटर्स कौन है, उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटर कौन है इस मूवी का, बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया, क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है, तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी VV विनायक ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। स्क्रीन प्ले की बात करें जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है, तो A. महादेव इस मूवी के स्क्रीन प्ले को हैंडल करने वाले हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी स्क्रीन प्ले को हैंडल किया। डायलॉग्स की बात करें तो मयूरपुरी इस मूवी के डायलॉग्स को संभालने वाले हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारे के सारे डायलॉग्स को लिखा है। स्टोरी लाइन की बात करें तो VV विजेंद्र प्रसाद इस मूवी के स्टोरी लाइन को लिखने वाले हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी स्टोरी लाइन को लिखा एंड स्टोरी लाइन वो मेन चीज़ होती है जो कि ऑडियंस और थिएटर्स को कनेक्ट कर सकती है एंड यहाँ पर ये काम इस मूवी ने काफ़ी अच्छे तरीके से किया है। तो ये मूवी जो है वो साल 2005 में रिलीज़ हो चुकी छत्रपति, जो कि स्टार प्रभास के बनाई हुई मूवी थी, तो ये जो कि डायरेक्ट की थी SS राजामौली सर ने एंड ये मूवी उसी का ही ऑफिशियल रीमेक बनाया गया है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो जयंतीलाल गदा, धवल गदा और अक्षय गदा आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बलमकोंडा साई श्रीनिवास, उसी के साथ साथ नुसरत भरूचा, शरद केलकर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो निज़ार शफी आप लोगों को इसकी सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नज़र आएंगे। उसी के साथ साथ बात करें एडिटिंग की तो निरंजन ने इस मूवी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया, स्कोर BGM को यहाँ पर कंट्रोल किया रवि बसरू ने एंड सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज किया तानिश्क बागची ने। प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को पैन इंडिया लिमिटेड देखने को मिल जाएगी। तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ कर दिया गया था एंड ये मूवी जो है वो अभी TV प्रीमियर लॉन्च हो चुका है। इस मूवी का TV पर ये लग चुकी है, आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी
साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी छत्रपति को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू तो दिया ही है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर चंद एक ऐसे फैक्ट भी बताए हैं जो कि आप लोगों को जानना चाहिए। यहाँ पर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी छत्रपति के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, तो बेसिकली ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हर एक मूवी के रिलेटेड। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि ये जो मूवी हम देखने के लिए जा रहे हैं इस मूवी में हमें देखने को क्या मिलेगा, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, बेसिकली होगा क्या इस मूवी में। तो यहाँ पर ये सवाल आप लोगों का मैं क्लियर कर देता हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को इसमें ड्रामा देखने को मिलेगा एंड लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से एक्शन भी संभाला गया है एंड ड्रामे को भी बहुत ही डिसेंटली हैंडल किया गया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो है जी तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बाद अब अगर यहाँ पर हम बात करें कि इसकी IMDb रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसकी जो IMDb रेटिंग है वो है जी 4.9 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। लेकिन उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 91% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं जी कास्टिंग की कि कौन कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जो कि आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को बलमकोंडा साई श्रीनिवास देखने को मिल जाएंगे, नुसरत भरूचा देखने को मिलेंगे, भाग्यश्री, करण सिंह छबरा, शरद केलकर, शिवम पटेल और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर्स कौन है, राइटर्स कौन है, उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटर कौन है इस मूवी का, बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया, क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है, तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी VV विनायक ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। स्क्रीन प्ले की बात करें जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है, तो A. महादेव इस मूवी के स्क्रीन प्ले को हैंडल करने वाले हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी स्क्रीन प्ले को हैंडल किया। डायलॉग्स की बात करें तो मयूरपुरी इस मूवी के डायलॉग्स को संभालने वाले हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारे के सारे डायलॉग्स को लिखा है।
स्टोरी लाइन की बात करें तो वी विजेंद्र प्रसाद इस मूवी के स्टोरी लाइन को लिखने वाले हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी स्टोरी लाइन को लिखा। एंड स्टोरी लाइन वो मेन चीज़ होती है जो कि ऑडियंस और थिएटर्स को कनेक्ट कर सकती है, एंड यहाँ पर ये काम इस मूवी ने काफ़ी अच्छे तरीके से किया है। तो ये मूवी जो है वो साल 2005 में रिलीज़ हो चुकी, छत्रपति, जो कि स्टार प्रभास के बनाई हुई मूवी थी। तो ये जो कि डायरेक्ट की थी SS राजामौली सर ने, एंड ये मूवी उसी का ही ऑफिशियल रीमेक बनाया गया है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो जयंतीलाल गदा, धवल गदा और अक्षय गदा आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बलमकोंडा साई श्रीनिवास, उसी के साथ साथ नुसरत भरूचा, शरद खेलकर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो निज़ार शफी आप लोगों को इसकी सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नज़र आएंगे। उसी के साथ साथ बात करें एडिटिंग की तो निरंजन ने इस मूवी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया, स्कोर BGM को यहाँ पर कंट्रोल किया रवि बसरूर ने, एंड सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज किया तानिश्क बागची ने। प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को पैन इंडिया लिमिटेड देखने को मिल जाएगी। तो ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ कर दिया गया था। एंड ये मूवी जो है वो अभी TV प्रीमियर लॉन्च हो चुका है, इस मूवी का TV पर ये लग चुकी है। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी छत्रपति को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू तो दिया ही है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर चंद एक ऐसे फैक्ट भी बताए हैं जो कि आप लोगों को जानना चाहिए। यहाँ पर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी छत्रपति के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हर एक मूवी के रिलेटेड। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि ये जो मूवी हम देखने के लिए जा रहे हैं, इस मूवी में हमें देखने को क्या मिलेगा, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, बेसिकली होगा क्या इस मूवी में। तो यहाँ पर ये सवाल आप लोगों का मैं क्लियर कर देता हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को इसमें ड्रामा देखने को मिलेगा, एंड लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से एक्शन भी संभाला गया है एंड ड्रामे को भी बहुत ही डिसेंटली हैंडल किया गया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो है जी तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की
इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बाद, अब अगर यहाँ पर हम बात करें कि इसकी IMDb रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसकी जो IMDb रेटिंग है वो है जी 4.9 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। लेकिन उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 91% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं जी कास्टिंग की, कि कौन कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जो कि आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को बलमकोंडा साई श्रीनिवास देखने को मिल जाएंगे, नुसरत भरूचा देखने को मिलेंगे, भाग्यश्री, करण सिंह छबरा, शरद केलकर, शिवम पटेल और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर्स कौन है, राइटर्स कौन है, उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटर कौन है इस मूवी का, बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया, क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है, तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी VV विनायक ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। स्क्रीन प्ले की बात करें जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है, तो A. महादेव इस मूवी के स्क्रीन प्ले को हैंडल करने वाले हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी स्क्रीन प्ले को हैंडल किया। डायलॉग्स की बात करें तो मयूरपुरी इस मूवी के डायलॉग्स को संभालने वाले हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारे के सारे डायलॉग्स को लिखा है। स्टोरी लाइन की बात करें तो VV विजेंद्र प्रसाद इस मूवी के स्टोरी लाइन को लिखने वाले हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी स्टोरी लाइन को लिखा। एंड स्टोरी लाइन वो मेन चीज़ होती है जो कि ऑडियंस और थिएटर्स को कनेक्ट कर सकती है, एंड यहाँ पर ये काम इस मूवी ने काफ़ी अच्छे तरीके से किया है। तो ये मूवी जो है वो साल 2005 में रिलीज़ हो चुकी, छत्रपति, जो कि स्टार प्रभास के बनाई हुई मूवी थी, तो ये जो कि डायरेक्ट की थी SS राजामौली सर ने, एंड ये मूवी उसी का ही ऑफिशियल रीमेक बनाया गया है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो जयंतीलाल गदा, धवल गदा और अक्षय गदा आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बलमकोंडा साई श्रीनिवास, उसी के साथ साथ नुसरत भरूचा, शरद केलकर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो निज़ार शफी आप लोगों को इसकी सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नज़र आएंगे। उसी के साथ साथ बात करें एडिटिंग की तो निरंजन ने इस मूवी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया, स्कोर BGM को यहाँ पर कंट्रोल किया रवि बसरू ने, एंड सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज किया तानिश्क बागची ने। प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को पैन इंडिया लिमिटेड देखने को मिल जाएगी। तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ कर दिया गया था, एंड ये मूवी जो है वो अभी TV प्रीमियर लॉन्च हो चुका है। इस मूवी का TV पर ये लग चुकी है, आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी छत्रपति को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू तो दिया ही है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर चंद एक ऐसे फैक्ट भी बताए हैं जो कि आप लोगों को जानना चाहिए। यहाँ पर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है।
तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी छत्रपति के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हर एक मूवी के रिलेटेड। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि ये जो मूवी हम देखने के लिए जा रहे हैं इस मूवी में हमें देखने को क्या मिलेगा, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, बेसिकली होगा क्या इस मूवी में। तो यहाँ पर ये सवाल आप लोगों का मैं क्लियर कर देता हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को इसमें ड्रामा देखने को मिलेगा एंड लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से एक्शन भी संभाला गया है एंड ड्रामे को भी बहुत ही डिसेंटली हैंडल किया गया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो है जी तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बाद अब अगर यहाँ पर हम बात करें कि इसकी IMDb रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसकी जो IMDb रेटिंग है वो है जी 4.9 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। लेकिन उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 91% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं जी कास्टिंग की कि कौन कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जो कि आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को बलमकोंडा साई श्रीनिवास देखने को मिल जाएंगे, नुसरत भरूचा देखने को मिलेंगे, भाग्यश्री, करण सिंह छबरा, शरद केलकर, शिवम पटेल और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर्स कौन है, राइटर्स कौन है, उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटर कौन है इस मूवी का, बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया, क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है, तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी वी विनायक ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। स्क्रीन प्ले की बात करें जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है, तो ए महादेव इस मूवी के स्क्रीन प्ले को हैंडल करने वाले हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी स्क्रीन प्ले को हैंडल किया। डायलॉग्स की बात करें तो मयूरपुरी इस मूवी के डायलॉग्स को संभालने वाले हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारे के सारे डायलॉग्स को लिखा है। स्टोरी लाइन की बात करें तो वी विजेंद्र प्रसाद इस मूवी के स्टोरी लाइन को लिखने वाले हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी स्टोरी लाइन को लिखा एंड स्टोरी लाइन वो मेन चीज़ होती है जो कि ऑडियंस और थिएटर्स को कनेक्ट कर सकती है एंड यहाँ पर ये काम इस मूवी ने काफ़ी अच्छे तरीके से किया है। तो ये मूवी जो है वो साल 2005 में रिलीज़ हो चुकी छत्रपति, जो कि स्टार प्रभास के बनाई हुई मूवी थी, तो ये जो कि डायरेक्ट की थी SS राजामौली सर ने एंड ये मूवी उसी का ही ऑफिशियल रीमेक बनाया गया है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो जयंतीलाल गदा, धवल गदा और अक्षय गदा आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बलमकोंडा साई श्रीनिवास, उसी के साथ साथ नुसरत भरूचा, शरद केलकर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो निज़ार शफी आप लोगों को इसकी सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नज़र आएंगे। उसी के साथ साथ बात करें एडिटिंग की तो निरंजन ने इस मूवी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया, स्कोर BGM को यहाँ पर कंट्रोल किया रवि बसरूर ने एंड सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज किया तानिश्क बागची ने। प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को पैन इंडिया लिमिटेड देखने को मिल जाएगी। तो ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ कर दिया गया था एंड ये मूवी जो है वो अभी TV प्रीमियर लॉन्च हो चुका है। इस मूवी का TV पर ये लग चुकी है, आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी
साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी छत्रपति को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू तो दिया ही है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर चंद एक ऐसे फैक्ट भी बताए हैं जो कि आप लोगों को जानना चाहिए। यहाँ पर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी छत्रपति के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हर एक मूवी के रिलेटेड। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि ये जो मूवी हम देखने के लिए जा रहे हैं, इस मूवी में हमें देखने को क्या मिलेगा, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, बेसिकली होगा क्या इस मूवी में। तो यहाँ पर ये सवाल आप लोगों का मैं क्लियर कर देता हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को इसमें ड्रामा देखने को मिलेगा एंड लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से एक्शन भी संभाला गया है एंड ड्रामे को भी बहुत ही डिसेंटली हैंडल किया गया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो है जी तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बाद अब अगर यहाँ पर हम बात करें कि इसकी IMDb रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसकी जो IMDb रेटिंग है वो है जी 4.9 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। लेकिन उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 91% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं जी कास्टिंग की कि कौन कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जो कि आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को बलमकोंडा साई श्रीनिवास देखने को मिल जाएंगे, नुसरत भरूचा देखने को मिलेंगे, भाग्यश्री, करण सिंह छबरा, शरद केलकर, शिवम पटेल और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर्स कौन है, राइटर्स कौन है, उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटर कौन है इस मूवी का, बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया, क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है, तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी VV विनायक ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। स्क्रीन प्ले की बात करें जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है, तो A. महादेव इस मूवी के स्क्रीन प्ले को हैंडल करने वाले हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी स्क्रीन प्ले को हैंडल किया। डायलॉग्स की बात करें तो मयूरपुरी इस मूवी के डायलॉग्स को संभालने वाले हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारे के सारे डायलॉग्स को लिखा है।
स्टोरी लाइन की बात करें तो वी विजेंद्र प्रसाद इस मूवी के स्टोरी लाइन को लिखने वाले हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी स्टोरी लाइन को लिखा। एंड स्टोरी लाइन वो मेन चीज़ होती है जो कि ऑडियंस और थिएटर्स को कनेक्ट कर सकती है, एंड यहाँ पर ये काम इस मूवी ने काफ़ी अच्छे तरीके से किया है। तो ये मूवी जो है वो साल 2005 में रिलीज़ हो चुकी, छत्रपति, जो कि स्टार प्रभास के बनाई हुई मूवी थी, तो ये जो कि डायरेक्ट की थी SS राजामौली सर ने, एंड ये मूवी उसी का ही ऑफिशियल रीमेक बनाया गया है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो जयंतीलाल गदा, धवल गदा और अक्षय गदा आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बलमकोंडा साई श्रीनिवास, उसी के साथ साथ नुसरत भरूचा, शरद खेलकर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो निज़ार शफी आप लोगों को इसकी सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नज़र आएंगे। उसी के साथ साथ बात करें एडिटिंग की तो निरंजन ने इस मूवी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया, स्कोर BGM को यहाँ पर कंट्रोल किया रवि बसरू ने, एंड सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज किया तानिश्क बागची ने। प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को पैन इंडिया लिमिटेड देखने को मिल जाएगी। तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ कर दिया गया था। एंड ये मूवी जो है वो अभी TV प्रीमियर लॉन्च हो चुका है, इस मूवी का TV पर ये लग चुकी है, आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी छत्रपति को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू तो दिया ही है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर चंद एक ऐसे फैक्ट भी बताए हैं जो कि आप लोगों को जानना चाहिए। यहाँ पर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी छत्रपति के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हर एक मूवी के रिलेटेड। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि ये जो मूवी हम देखने के लिए जा रहे हैं, इस मूवी में हमें देखने को क्या मिलेगा, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, बेसिकली होगा क्या इस मूवी में। तो यहाँ पर ये सवाल आप लोगों का मैं क्लियर कर देता हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को इसमें ड्रामा देखने को मिलेगा, एंड लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से एक्शन भी संभाला गया है एंड ड्रामे को भी बहुत ही डिसेंटली हैंडल किया गया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो है जी तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की
इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बाद, अब अगर यहाँ पर हम बात करें कि इसकी IMDb रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसकी जो IMDb रेटिंग है वो है जी 4.9 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। लेकिन उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 91% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं जी कास्टिंग की, कि कौन कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जो कि आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को बलमकोंडा साई श्रीनिवास देखने को मिल जाएंगे, नुसरत भरूचा देखने को मिलेंगे, भाग्यश्री, करण सिंह छबरा, शरद केलकर, शिवम पटेल और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर्स कौन है, राइटर्स कौन है, उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटर कौन है इस मूवी का, बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया, क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है, तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी वी विनायक ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। स्क्रीन प्ले की बात करें जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है, तो ए महादेव इस मूवी के स्क्रीन प्ले को हैंडल करने वाले हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी स्क्रीन प्ले को हैंडल किया। डायलॉग्स की बात करें तो मयूरपुरी इस मूवी के डायलॉग्स को संभालने वाले हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारे के सारे डायलॉग्स को लिखा है। स्टोरी लाइन की बात करें तो वी विजेंद्र प्रसाद इस मूवी के स्टोरी लाइन को लिखने वाले हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी स्टोरी लाइन को लिखा। एंड स्टोरी लाइन वो मेन चीज़ होती है जो कि ऑडियंस और थिएटर्स को कनेक्ट कर सकती है, एंड यहाँ पर ये काम इस मूवी ने काफ़ी अच्छे तरीके से किया है। तो ये मूवी जो है वो साल 2005 में रिलीज़ हो चुकी छत्रपति, जो कि स्टार प्रभास के बनाई हुई मूवी थी, तो ये जो कि डायरेक्ट की थी SS राजामौली सर ने, एंड ये मूवी उसी का ही ऑफिशियल रीमेक बनाया गया है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो जयंतीलाल गदा, धवल गदा और अक्षय गदा आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बलमकोंडा साई श्रीनिवास, उसी के साथ साथ नुसरत भरूचा, शरद केलकर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो निज़ार शफी आप लोगों को इसकी सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नज़र आएंगे। उसी के साथ साथ बात करें एडिटिंग की तो निरंजन ने इस मूवी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया, स्कोर BGM को यहाँ पर कंट्रोल किया रवि बसरूर ने, एंड सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज किया तानिश्क बागची ने। प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को पैन इंडिया लिमिटेड देखने को मिल जाएगी। तो ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ कर दिया गया था। एंड ये मूवी जो है वो अभी TV प्रीमियर लॉन्च हो चुका है, इस मूवी का TV पर ये लग चुकी है, आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी छत्रपति को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू तो दिया ही है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर चंद एक ऐसे फैक्ट भी बताए हैं जो कि आप लोगों को जानना चाहिए। यहाँ पर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन
आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी छत्रपति के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हर एक मूवी के रिलेटेड। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि ये जो मूवी हम देखने के लिए जा रहे हैं इस मूवी में हमें देखने को क्या मिलेगा, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, बेसिकली होगा क्या इस मूवी में। तो यहाँ पर ये सवाल आप लोगों का मैं क्लियर कर देता हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को इसमें ड्रामा देखने को मिलेगा एंड लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से एक्शन भी संभाला गया है एंड ड्रामे को भी बहुत ही डिसेंटली हैंडल किया गया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो है जी तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बाद अब अगर यहाँ पर हम बात करें कि इसकी IMDb रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसकी जो IMDb रेटिंग है वो है जी 4.9 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। लेकिन उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 91% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं जी कास्टिंग की कि कौन कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जो कि आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को बलमकोंडा साई श्रीनिवास देखने को मिल जाएंगे, नुसरत भरूचा देखने को मिलेंगे, भाग्यश्री, करण सिंह छबरा, शरद केलकर, शिवम पटेल और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर्स कौन है, राइटर्स कौन है, उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटर कौन है इस मूवी का, बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया, क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है, तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी VV विनायक ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। स्क्रीन प्ले की बात करें जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है, तो A. महादेव इस मूवी के स्क्रीन प्ले को हैंडल करने वाले हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी स्क्रीन प्ले को हैंडल किया। डायलॉग्स की बात करें तो मयूरपुरी इस मूवी के डायलॉग्स को संभालने वाले हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारे के सारे डायलॉग्स को लिखा है। स्टोरी लाइन की बात करें तो VV विजेंद्र प्रसाद इस मूवी के स्टोरी लाइन को लिखने वाले हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी स्टोरी लाइन को लिखा एंड स्टोरी लाइन वो मेन चीज़ होती है जो कि ऑडियंस और थिएटर्स को कनेक्ट कर सकती है एंड यहाँ पर ये काम इस मूवी ने काफ़ी अच्छे तरीके से किया है। तो ये मूवी जो है वो साल 2005 में रिलीज़ हो चुकी छत्रपति, जो कि स्टार प्रभास के बनाई हुई मूवी थी, तो ये जो कि डायरेक्ट की थी SS राजामौली सर ने एंड ये मूवी उसी का ही ऑफिशियल रीमेक बनाया गया है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो जयंतीलाल गदा, धवल गदा और अक्षय गदा आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बलमकोंडा साई श्रीनिवास, उसी के साथ साथ नुसरत भरूचा, शरद केलकर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो निज़ार शफी आप लोगों को इसकी सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नज़र आएंगे। उसी के साथ साथ बात करें एडिटिंग की तो निरंजन ने इस मूवी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया, स्कोर BGM को यहाँ पर कंट्रोल किया रवि बसरू
कपूर ने एंड सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज किया तानिश्क बागची ने। प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को पैन इंडिया लिमिटेड देखने को मिल जाएगी। तो ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ कर दिया गया था। एंड ये मूवी जो है वो अभी टीवी प्रीमियर लॉन्च हो चुका है। इस मूवी का टीवी पर ये लग चुकी है, आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर एंजॉय कर सकते। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी छत्रपति को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू तो दिया ही है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर चंद एक ऐसे फैक्ट भी बताए हैं जो कि आप लोगों को जानना चाहिए। यहाँ पर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी छत्रपति के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हर एक मूवी के रिलेटेड। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि ये जो मूवी हम देखने के लिए जा रहे हैं इस मूवी में हमें देखने को क्या मिलेगा, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, बेसिकली होगा क्या इस मूवी में। तो यहाँ पर ये सवाल आप लोगों का मैं क्लियर कर देता हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को इसमें ड्रामा देखने को मिलेगा एंड लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से एक्शन भी संभाला गया है एंड ड्रामे को भी बहुत ही डिसेंटली हैंडल किया गया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो है जी तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बाद अब अगर यहाँ पर हम बात करें कि इसकी IMDb रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसकी जो IMDb रेटिंग है वो है जी 4.9 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। लेकिन उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 91% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं जी कास्टिंग की कि कौन कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जो कि आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को बलमकोंडा साई श्रीनिवास देखने को मिल जाएंगे, नुसरत भरूचा देखने को मिलेंगे, भाग्यश्री, करण सिंह छबरा, शरद केलकर, शिवम पटेल और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर्स कौन है, राइटर्स कौन है, उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटर कौन है इस मूवी का, बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया, क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।
तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है, तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी वी विनायक ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। स्क्रीन प्ले की बात करें जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है, तो ए महादेव इस मूवी के स्क्रीन प्ले को हैंडल करने वाले हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी स्क्रीन प्ले को हैंडल किया। डायलॉग्स की बात करें तो मयूर पुरी इस मूवी के डायलॉग्स को संभालने वाले हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारे के सारे डायलॉग्स को लिखा है। स्टोरी लाइन की बात करें तो वी विजेंद्र प्रसाद इस मूवी के स्टोरी लाइन को लिखने वाले हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी स्टोरी लाइन को लिखा। एंड स्टोरी लाइन वो मेन चीज़ होती है जो कि ऑडियंस और थिएटर्स को कनेक्ट कर सकती है, एंड यहाँ पर ये काम इस मूवी ने काफ़ी अच्छे तरीके से किया है। तो ये मूवी जो है वो साल 2005 में रिलीज़ हो चुकी, छत्रपति, जो कि स्टार प्रभास के बनाई हुई मूवी थी, तो ये जो कि डायरेक्ट की थी SS राजामौली सर ने, एंड ये मूवी उसी का ही ऑफिशियल रीमेक बनाया गया है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो जयंतीलाल गदा, धवल गदा और अक्षय गदा आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बलमकोंडा साई श्रीनिवास, उसी के साथ साथ नुसरत भरूचा, शरद खेलकर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो निज़ार शफी आप लोगों को इसकी सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नज़र आएंगे। उसी के साथ साथ बात करें एडिटिंग की तो निरंजन ने इस मूवी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया। स्कोर BGM को यहाँ पर कंट्रोल किया रवि ने, एंड सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज किया तानिश्क बागची ने। प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को पैन इंडिया लिमिटेड देखने को मिल जाएगी। तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज कर दिया गया था। एंड ये मूवी जो है वो अभी TV प्रीमियर लॉन्च हो चुका है, इस मूवी का TV पर ये लग चुकी है, आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी छत्रपति को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू तो दिया ही है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर चंद एक ऐसे फैक्ट भी बताए हैं जो कि आप लोगों को जानना चाहिए। यहाँ पर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी छत्रपति के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हर एक मूवी के रिलेटेड। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि ये जो मूवी हम देखने के लिए जा रहे हैं, इस मूवी में हमें देखने को क्या मिलेगा, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, बेसिकली होगा क्या इस मूवी में। तो यहाँ पर ये सवाल आप लोगों का मैं क्लियर कर देता हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देख
देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को इसमें ड्रामा देखने को मिलेगा एंड लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से एक्शन भी संभाला गया है एंड ड्रामे को भी बहुत ही डिसेंटली हैंडल किया गया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो है जी तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बाद अब अगर यहाँ पर हम बात करें कि इसकी IMDb रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसकी जो IMDb रेटिंग है वो है जी 4.9 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। लेकिन उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 91% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं जी कास्टिंग की कि कौन कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जो कि आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को बलमकोंडा साई श्रीनिवास देखने को मिल जाएंगे, नुसरत भरूचा देखने को मिलेंगे, भाग्यश्री, करण सिंह छबरा, शरद केलकर, शिवम पटेल और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर्स कौन है, राइटर्स कौन है, उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटर कौन है इस मूवी का, बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया, क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है, तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी VV विनायक ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। स्क्रीन प्ले की बात करें जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है, तो A. महादेव इस मूवी के स्क्रीन प्ले को हैंडल करने वाले हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी स्क्रीन प्ले को हैंडल किया। डायलॉग्स की बात करें तो मयूरपुरी इस मूवी के डायलॉग्स को संभालने वाले हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारे के सारे डायलॉग्स को लिखा है। स्टोरी लाइन की बात करें तो VV विजेंद्र प्रसाद इस मूवी के स्टोरी लाइन को लिखने वाले हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी स्टोरी लाइन को लिखा एंड स्टोरी लाइन वो मेन चीज़ होती है जो कि ऑडियंस और थिएटर्स को कनेक्ट कर सकती है एंड यहाँ पर ये काम इस मूवी ने काफ़ी अच्छे तरीके से किया है। तो ये मूवी जो है वो साल 2005 में रिलीज़ हो चुकी छत्रपति, जो कि स्टार प्रभास के बनाई हुई मूवी थी, तो ये जो कि डायरेक्ट की थी SS राजामौली सर ने एंड ये मूवी उसी का ही ऑफिशियल रीमेक बनाया गया है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो जयंतीलाल गदा, धवल गदा और अक्षय गदा आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बलमकोंडा साई श्रीनिवास, उसी के साथ साथ नुसरत भरूचा, शरद केलकर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो निज़ार शफी आप लोगों को इसकी सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नज़र आएंगे। उसी के साथ साथ बात करें एडिटिंग की तो निरंजन ने इस मूवी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया, स्कोर BGM को यहाँ पर कंट्रोल किया रवि बसरू ने एंड सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज किया तानिश्क बागची ने। प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को पैन इंडिया लिमिटेड देखने को मिल जाएगी। तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ कर दिया गया था एंड ये मूवी जो है वो अभी TV प्रीमियर लॉन्च हो चुका है। इस मूवी का TV पर ये लग चुकी है, आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी छत्रपति को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू तो दिया ही है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर चंद एक ऐसे फैक्ट भी बताए हैं जो कि आप लोगों को जानना चाहिए। यहाँ पर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे।
उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी छत्रपति के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हर एक मूवी के रिलेटेड। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि ये जो मूवी हम देखने के लिए जा रहे हैं इस मूवी में हमें देखने को क्या मिलेगा, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, बेसिकली होगा क्या इस मूवी में। तो यहाँ पर ये सवाल आप लोगों का मैं क्लियर कर देता हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को इसमें ड्रामा देखने को मिलेगा एंड लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से एक्शन भी संभाला गया है एंड ड्रामे को भी बहुत ही डिसेंटली हैंडल किया गया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो है जी तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बाद अब अगर यहाँ पर हम बात करें कि इसकी IMDb रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसकी जो IMDb रेटिंग है वो है जी 4.9 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। लेकिन उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 91% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं जी कास्टिंग की कि कौन कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जो कि आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को बलमकोंडा साई श्रीनिवास देखने को मिल जाएंगे, नुसरत भरूचा देखने को मिलेंगे, भाग्यश्री, करण सिंह छबरा, शरद केलकर, शिवम पटेल और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर्स कौन है, राइटर्स कौन है, उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटर कौन है इस मूवी का, बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया, क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है, तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी वी विनायक ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। स्क्रीन प्ले की बात करें जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है, तो ए महादेव इस मूवी के स्क्रीन प्ले को हैंडल करने वाले हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी स्क्रीन प्ले को हैंडल किया। डायलॉग्स की बात करें तो मयूरपुरी इस मूवी के डायलॉग्स को संभालने वाले हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारे के सारे डायलॉग्स को लिखा है। स्टोरी लाइन की बात करें तो वी विजेंद्र प्रसाद इस मूवी के स्टोरी लाइन को लिखने वाले हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी स्टोरी लाइन को लिखा एंड स्टोरी लाइन वो मेन चीज़ होती है जो कि ऑडियंस और थिएटर्स को कनेक्ट कर सकती है एंड यहाँ पर ये काम इस मूवी ने काफ़ी अच्छे तरीके से किया है। तो ये मूवी जो है वो साल 2005 में रिलीज़ हो चुकी छत्रपति, जो कि स्टार प्रभास के बनाई हुई मूवी थी, तो ये जो कि डायरेक्ट की थी SS राजामौली सर ने एंड ये मूवी उसी का ही ऑफिशियल रीमेक बनाया गया है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो जयंतीलाल गदा, धवल गदा और अक्षय गदा आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बलमकोंडा साई श्रीनिवास, उसी के साथ साथ नुसरत भरूचा, शरद केलकर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो निज़ार शफी आप लोगों को इसकी सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नज़र आएंगे। उसी के साथ साथ बात करें एडिटिंग की तो निरंजन ने इस मूवी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया, स्कोर BGM को यहाँ पर कंट्रोल किया रवि बसरू
कपूर ने एंड सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज किया तानिश्क बागची ने। प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को पैन इंडिया लिमिटेड देखने को मिल जाएगी। तो ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ कर दिया गया था। एंड ये मूवी जो है वो अभी टीवी प्रीमियर लॉन्च हो चुका है। इस मूवी का टीवी पर ये लग चुकी है, आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी छत्रपति को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू तो दिया ही है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर चंद एक ऐसे फैक्ट भी बताए हैं जो कि आप लोगों को जानना चाहिए। यहाँ पर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी छत्रपति के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हर एक मूवी के रिलेटेड। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि ये जो मूवी हम देखने के लिए जा रहे हैं इस मूवी में हमें देखने को क्या मिलेगा, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, बेसिकली होगा क्या इस मूवी में। तो यहाँ पर ये सवाल आप लोगों का मैं क्लियर कर देता हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को इसमें ड्रामा देखने को मिलेगा एंड लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से एक्शन भी संभाला गया है एंड ड्रामे को भी बहुत ही डिसेंटली हैंडल किया गया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो है जी तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बाद अब अगर यहाँ पर हम बात करें कि इसकी IMDb रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसकी जो IMDb रेटिंग है वो है जी 4.9 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। लेकिन उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 91% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं जी कास्टिंग की कि कौन कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जो कि आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को बलम कोंडा साई श्रीनिवास देखने को मिल जाएंगे, नुसरत भरूचा देखने को मिलेंगे, भाग्यश्री, करण सिंह छबरा, शरद केलकर, शिवम पटेल और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर्स कौन है, राइटर्स कौन है, उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटर कौन है इस मूवी का, बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया, क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।
तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है, तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी वी विनायक ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। स्क्रीन प्ले की बात करें जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है, तो ए महादेव इस मूवी के स्क्रीन प्ले को हैंडल करने वाले हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी स्क्रीन प्ले को हैंडल किया। डायलॉग्स की बात करें तो मयूरपुरी इस मूवी के डायलॉग्स को संभालने वाले हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारे के सारे डायलॉग्स को लिखा है। स्टोरी लाइन की बात करें तो वी विजेंद्र प्रसाद इस मूवी के स्टोरी लाइन को लिखने वाले हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी स्टोरी लाइन को लिखा। एंड स्टोरी लाइन वो मेन चीज़ होती है जो कि ऑडियंस और थिएटर्स को कनेक्ट कर सकती है, एंड यहाँ पर ये काम इस मूवी ने काफ़ी अच्छे तरीके से किया है। तो ये मूवी जो है वो साल 2005 में रिलीज़ हो चुकी, छत्रपति, जो कि स्टार प्रभास के बनाई हुई मूवी थी, तो ये जो कि डायरेक्ट की थी SS राजामौली सर ने, एंड ये मूवी उसी का ही ऑफिशियल रीमेक बनाया गया है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो जयंतीलाल गदा, धवल गदा और अक्षय गदा आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बलमकोंडा साई श्रीनिवास, उसी के साथ साथ नुसरत भरूचा, शरद खेलकर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो निज़ार शफी आप लोगों को इसकी सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नज़र आएंगे। उसी के साथ साथ बात करें एडिटिंग की तो निरंजन ने इस मूवी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया। स्कोर BGM को यहाँ पर कंट्रोल किया रवि बसरू ने, एंड सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज किया तानिश्क बागची ने। प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को पैन इंडिया लिमिटेड देखने को मिल जाएगी। तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ कर दिया गया था। एंड ये मूवी जो है वो अभी TV प्रीमियर लॉन्च हो चुका है, इस मूवी का TV पर ये लग चुकी है, आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी छत्रपति को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू तो दिया ही है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर चंद एक ऐसे फैक्ट भी बताए हैं जो कि आप लोगों को जानना चाहिए। यहाँ पर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी छत्रपति के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हर एक मूवी के रिलेटेड। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि ये जो मूवी हम देखने के लिए जा रहे हैं, इस मूवी में हमें देखने को क्या मिलेगा, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, बेसिकली होगा क्या इस मूवी में। तो यहाँ पर ये सवाल आप लोगों का मैं क्लियर कर देता हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को इसमें ड्रामा देखने को मिलेगा, एंड लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से एक्शन भी संभाला गया है एंड ड्रामे को भी बहुत ही डिसेंटली हैंडल किया गया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम
टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो है जी तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बाद अब अगर यहाँ पर हम बात करें कि इसकी IMDb रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसकी जो IMDb रेटिंग है वो है जी 4.9 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। लेकिन उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 91% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं जी कास्टिंग की कि कौन कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जो कि आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को बलमकोंडा साई श्रीनिवास देखने को मिल जाएंगे, नुसरत भरूचा देखने को मिलेंगे, भाग्यश्री, करण सिंह छबरा, शरद केलकर, शिवम पटेल और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर्स कौन है, राइटर्स कौन है, उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटर कौन है इस मूवी का, बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया, क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है, तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी वी विनायक ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। स्क्रीन प्ले की बात करें जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है, तो ए महादेव इस मूवी के स्क्रीन प्ले को हैंडल करने वाले हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी स्क्रीन प्ले को हैंडल किया। डायलॉग्स की बात करें तो मयूरपुरी इस मूवी के डायलॉग्स को संभालने वाले हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारे के सारे डायलॉग्स को लिखा है। स्टोरी लाइन की बात करें तो वी विजेंद्र प्रसाद इस मूवी के स्टोरी लाइन को लिखने वाले हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी स्टोरी लाइन को लिखा। एंड स्टोरी लाइन वो मेन चीज़ होती है जो कि ऑडियंस और थिएटर्स को कनेक्ट कर सकती है, एंड यहाँ पर ये काम इस मूवी ने काफ़ी अच्छे तरीके से किया है। तो ये मूवी जो है वो साल 2005 में रिलीज़ हो चुकी छत्रपति, जो कि स्टार प्रभास के बनाई हुई मूवी थी, तो ये जो कि डायरेक्ट की थी SS राजामौली सर ने, एंड ये मूवी उसी का ही ऑफिशियल रीमेक बनाया गया है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो जयंतीलाल गदा, धवल गदा और अक्षय गदा आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बलमकोंडा साई श्रीनिवास, उसी के साथ साथ नुसरत भरूचा, शरद केलकर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो निज़ार शफी आप लोगों को इसकी सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नज़र आएंगे। उसी के साथ साथ बात करें एडिटिंग की तो निरंजन ने इस मूवी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया, स्कोर BGM को यहाँ पर कंट्रोल किया रवि बसरूर ने, एंड सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज किया तानिश्क बागची ने। प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को पैन इंडिया लिमिटेड देखने को मिल जाएगी। तो ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ कर दिया गया था। एंड ये मूवी जो है वो अभी TV प्रीमियर लॉन्च हो चुका है, इस मूवी का TV पर ये लग चुकी है, आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते।